नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। उत्तर प्रदेश की चर्चित IAS अधिकारी चंद्रकला के बारे में कई रोचक जानकारियां सामने आ रही हैं। वे 2008 की बैच की IAS हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 में जो उन्होंने रिटर्न दाखिल किया था, उस समय उन्होंने अपने पास कोई संपत्ति नहीं बताई थी, यानी उनके पास उस समय कोई संपत्ति नहीं थी। लेकिन 2011 का रिटर्न जो उन्होंने सन 2012 में दाखिल किया, उसमें एक 10 लाख रुपए के आवासीय प्लाट के बारे में जानकारी दी गई और यह कहा गया कि उनके पति ए रामुलू के नाम पर है और जिसे बचत के पैसों से खरीदा गया है। लेकिन इसके बाद 2012 के अंदर जो रिटर्न उन्होंने दाखिल किया, जिसकी अवधि थी 2013, तब चंद्रकला ने अपने नाम एक प्रॉपर्टी बताई और अन्नपूर्णा नगर में जो प्लाट उन्होंने बताया वो 30 लाख रुपए का है। इसके पश्चात उन्होंने यह भी कहा कि इस मकान को खरीदने के लिए उन्होंने 23,50,000 रुपये बैंक से लोन लिए। इसके बाद 2013 में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह रही कि जब वे हमीरपुर की DM थी, तब उन्होंने एक रिटर्न 2014 में दाखिल किया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि उनकी बेटी कीर्ति के नाम पर नाना नानी द्वारा 48 लाख रुपए का फ्लैट खरीदकर गिफ्ट दिया गया है और रिटर्न के वक्त उसकी कीमत 55 लाख रुपए बताई गई। चंद्रकला द्वारा यह भी बताया गया कि 30 लाख रुपए का उनका खुद का घर का फ्लैट है। इसके अलावा पति का एक पुराना प्लाट भी उन्होंने बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि करीमनगर में 2.37 एकड़ खेती को भी उन्होंने अपने रिटर्न में बताया और यह भी कहा कि 2013 में उनके पति ने 4,39,000 में इसे खरीदा है। इस जमीन से उन्होंने 1 लाख रुपए प्रति साल की कमाई भी बताई और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यह कहा कि उनको सैलरी के रूप में 44,998 रुपये कुल मिले हैं। 2014 में चंद्रकला द्वारा किसी भी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया गया, लेकिन 2015 में जब उन्होंने संपत्ति की जानकारी दी, जिसका रिटर्न उन्होंने भरा 2016 में, तो उन्होंने फिर से यह बताया कि 48 लाख रुपए का प्लाट उनकी बेटी को गिफ्ट में मिला था। इसके बाद उन्होंने इसकी कीमत बढ़ी हुई बताई, यानी इसे 67 लाख रुपये का बता दिया और इसके बाद उन्होंने अपने रिटर्न में यह भी ब्यौरा दिया कि पति के नाम पर एक और प्लाट है जिसकी कीमत उन्होंने 10 लाख रुपए बताई, जो बढ़कर बाद में रिटर्न भरने तक 20 लाख रुपए हो चुकी थी। उन्होंने सैलरी से बचत और सोने के कुछ जेवरात की भी जानकारी दी। 2016 में जो रिटर्न भरा गया, उसमें उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश के करीमनगर में खेती लायक जमीन उन्होंने खरीदी और 2.37 एकड़ जमीन को 4,39,000 में इन्होंने खरीदने का दावा किया। इसी की कीमत उन्होंने बाद में 7 लाख रुपए बता दी और यह भी कहा कि इससे 3 लाख रुपए सालाना की कमाई होती है। कुल मिलाकर भी चंद्रकला द्वारा जो विभिन्न आय के आंकड़े दिए गए हैं, वे भी अब जांच के घेरे में हैं और यह बताया जा रहा है कि उनकी संपत्ति में इतनी अधिक वृद्धि कैसे होती चली गई।